अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस आवर न्यू चैप्टर, सो लेट्स ओपन पेज नंबर 127, चैप्टर नंबर 10, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम एग्जांपल्स और इसकी गिवन डिटेल्स को देखेंगे, देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे गिवन है, वन इज़ नाइदर अ प्राइम नोर अ कंपोजिट नंबर। जो वन है वो ना तो प्राइम नंबर्स में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर फैक्टर वन एंड टू। अब जो टू है, टू तो इवन नंबर्स में आता है, लेकिन टू जो है वो इवन प्राइम है क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर बनते हैं, वन एंड टू। ओनली प्राइम नंबर्स 3, 5, 7 एंड अप टू सोन हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। के ये जो प्राइम नंबर्स हैं आपको गिवन, सिर्फ ये वो प्राइम नंबर हैं जिनके दो फैक्टर्स बनते हैं, यानी ये एक अपने टेबल में और वन के टेबल में आते हैं। आगे क्या है, ऑल द नंबर फ्रॉम फोन ऑनवर्ड अदर देन प्राइम नंबर 2, 5, 7, 11 अप टू सोन हैव मोर देन टू फैक्टर्स। कहता है कि जो फोर नंबर है, यानी 1, 2, 3, 4, फोर से आगे, यानी इन नंबर्स को छोड़ के चार से आगे जो भी नंबर आते हैं, यानी अगर फोर के बाद फाइव आता है तो फाइव को छोड़ देना है, उसके बाद सिक्स एंड सेवन को छोड़ के फोर के बाद ऑनवर्ड जो भी नंबर आते हैं उनके कितने फैक्टर्स होते हैं, हैव मोर देन टू फैक्टर, उनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए मैंने नंबर लिया है 8 नंबर लिया है, तो ये फोर से ऑनवर्ड आगे ही आ रहा है ना, प्राइम नंबर्स में भी नहीं आ रहा। तो इवन नंबर्स का देखें, एक तो ये वन के टेबल में आएगा, 2, 4 जार 8 टू के टेबल में भी आएगा, 4, 2 जार 8 फोर के टेबल में भी आएगा, और 8 अपने टेबल में भी 8, 1 जार 8 आएगा। सो इसने ये बात जो कही थी, हम मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझा दिया। लुक एट द प्राइम फैक्टर ऑफ 42 के प्राइम फैक्टर आपको याद है कि जैसे हमने एलसीएम लिया था, एचसीएफ वाला चैप्टर में मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स बताए थे, तो 42 के जो प्राइम फैक्टर हैं देखें, 2, 2 जार 4 एंड 2, 1 जार 2 21, 3, 7 जार 21 एंड 7, 1 जार 7। सो ये जो भी नंबर है हमारे पास, ये हमारे 42 के प्राइम फैक्टर होंगे। 2, 3 एंड 7 आया था ना हमारे पास, 2, 3 एंड 7, तो ये 2, 3 और 7 जो होगा हमारा प्राइम फैक्टर होगा। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 42 आर, अब फैक्टर्स ये तो थे प्राइम फैक्टर, फैक्टर्स के ये जो 42 है किन किन टेबल में आता है, वन के टेबल में भी आएगा, टू के टेबल में भी, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42 अपने टेबल में भी आएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 42, नॉट प्राइम फैक्टर। ओके, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 128 पे जो टॉप पे है, लुक एट द फैक्टर ऑफ 12, यानी 12 जो है किस किस टेबल में आता है। 12 2, 6 जार 12 3, 4 जार 12 4, 3 जार 12 अब 4 जो है अगेन डिवाइड होता है 2 इंटू 2, क्योंकि 4 के जो फैक्टर हैं वो 2 इंटू 2, दैट्स वाई ये चीज़ लिखी हुई है कि 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसी तरह हमने अलजेब्रिक इक्वेशंस पे काम करना है। इन अलजेब्रिक इक्वेशंस में ये फैक्टर्स कैसे दिखते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ये फॉर्मूला था, हमने इसके लेफ्ट साइड पे क्या था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो ये जो दो चीज़ें होंगी वो फैक्टर हैं इसके। आगे ये हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब जैसे ए बी और सी गिवन है हमें, तो ए बी सी में देखें, एक फैक्टर ए है, ए बी है और सी है, इन तीनों ने आपस में मिलकर ये चीज़ बनाई, जब ये मल्टीप्लाई हुए तो ए बी सी बना, दैट्स वाई दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस टर्म। आगे क्या है, इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और मोर टर्म्स प्रोसेसेस अ कॉमन फैक्टर, देन दैट फैक्टर इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच टर्म। अब इस लाइन को एक्सप्लेन कैसे करना है, कि जैसे हमारे पास दो टर्म हैं, दोनों टर्म में एक चीज़ ऐसी है, यानी ये पूरी जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन की दो या दो से ज़्यादा जो भी टर्म्स होंगे उनमें अगर कोई चीज़ कॉमन है, तो वो जो कॉमन फैक्टर है वही जो फैक्टर है, देन द फैक्टर इज़ अ
फैक्टर ऑफ ईच टर्म, इट मीन्स वो जो वर्ड है या वो टर्म जो है वो सब में है, इट मीन वो सब का फैक्टर है। जैसे लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी। अब देखिए इस टर्म में भी ए है, इस टर्म में भी ए है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ए को यहाँ से कॉमन निकाल लें तो क्या होगा, ए दोनों से दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लें, अगर सेपरेट कर लें तो इस टर्म से अगर ए सेपरेट हो जाए तो यहाँ क्या बचता है, बी। तो देखें ब्रैकेट के इन साइड पर बी है, प्लस साइन प्लस साइन, और इस टर्म से भी सी, जो क्योंकि दोनों से हमने कॉमन कर लिए, एक चीज़ कर ली, तो यहाँ पे क्या बच गया, सी। तो इस तरह के टर्म से हम कोई भी जब चीज़ सेपरेट करते हैं तो जब वो वन टाइम लिखी गई और बाकी जो इसके रिमेनिंग चीज़ें हैं वो ये लिखी गई। इसी तरह आगे ये देख लें, अब ये क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी वाई। अब इन तीनों टर्म में क्या है, एक्स सेम है, तो हम क्या, इट मीन्स ए टाइम एक्स प्लस बी बी टाइम एक्स माइनस सी टाइम एक्स, इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है कि सिर्फ एक्स को जो है वो कॉमन लिया तो वो वन टाइम लिख लिया, अगर इस टर्म से एक्स चला जाए तो हमारे पास क्या बचता है, ए, इस टर्म से एक्स चला जाए तो बी माइनस साइन एज इट इज़, एंड इस टर्म से चला जाए एक्स तो क्या बचता है हमारे पास, सी। अगर हम इसको दोबारा ओपन करें या मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये यही चीज़ बन जाती है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, तो यही चीज़ एज इट इज़ लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, थ्री ए स्क्वेयर बी माइनस नाइन ए बी स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व ए बी सी। थ्री ए स्क्वेयर बी माइनस नाइन ए बी स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व ए बी सी इक्वल टू। अब इस टर्म में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं ये देख लें, थ्री ए स्क्वेयर मीन्स ए टू टाइम था प्लस इंटू बी माइनस साइन। अब थ्री नाइन, नाइन किसका स्क्वेयर था, थ्री इंटू थ्री करें तो नाइन, ए सिंगल था एंड बी स्क्वेयर मीन्स बी टू टाइम था प्लस ट्वेल्व था, तो प्लस टू टू ज़र फोर, फोर थ्री ज़र ट्वेल्व, ट्वेल्व के फैक्टर लिखे गए हैं यहाँ पे, और ए बी और सी ही था तो एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने अब इस टर्म में क्या क्या चीज़ें कॉमन है वो सेपरेट करनी है, तो वो कैसे होंगी, क्वेश्चन को देखें जरा गौर से। तो हमें इन तीनों टर्म से एक ऐसी चीज़ सेपरेट करनी है जो तीनों से सेपरेट हो सके, तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी होती है कि जो चीज़ हम सेपरेट कर रहे हैं वो तीनों टर्म में हो सके। सबसे अब ए देखें, ए यहाँ स्क्वायर है, ए यहाँ पे इसकी पावर वन है और यहाँ पे भी वन है, तो इट मीन्स हमें लोएस्ट पावर को सेपरेट करना होगा कि वो इसमें से भी जा सके और इसमें से भी जा सके, तो ए सेपरेट कर सकते हैं। अब थ्री देखें, थ्री जो है नाइन के टेबल में भी आता है और ट्वेल्व पे भी आता है, ट्वेल्व का भी फैक्टर है और नाइन का भी, इट मीन्स हम थ्री को भी सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने बी की भी जो लोएस्ट पावर होती है उसको सेपरेट करना होता है, यहाँ बी की पावर वन है, यहाँ टू है और यहाँ पे भी वन है, इट मीन्स बी की पावर वन, यानी सिंपल एक बी जो है हमारा सेपरेट जाएगा। तो यहाँ देखें मैंने एक थ्री कॉमन लिया और एक ए बी, जब इस टर्म से थ्री और ए चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी भी चला जाए, ये भी चला जाए और ये भी, तो एक ए बच जाएगा माइनस इस टर्म, इन इस टर्म में देखें तो अगर एक थ्री चला जाए तो एक थ्री बच जाएगा, फिर ए देखें तो ए ऑलरेडी सेपरेट है बी, तो एक बी टर्म इसमें बच जाएगी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ क्या है, थ्री अगर सेपरेट हो जाए इट मीन्स ये दो फैक्टर बच जाएंगे ट्वेल्व के, टू टू ज़र फोर, ए बी पे हम सेपरेट कर चुके हैं इस टर्म का भी एंड सी इसके साथ यहाँ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर वन को देखते हैं, फैक्टराइज ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस वन। अब अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हम पहली वाली टर्म और दो नेक्स्ट टर्म्स को कंबाइन करते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन है, ए कॉमन है, इट मीन्स ये कॉमन लिया जा सकता है, तो ए कॉमन लें तो इस टर्म का क्या बच जाता है, बी, प्लस इस टर्म का ऑलरेडी ए कॉमन लिया जा चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन। अब नेक्स्ट टू टर्म में हमने देखे इसी टर्म को सेम नेक्स्ट टाइम भी बनाना होता है, तो हमने यहाँ से प्लस वन सेपरेट किया, मीन्स प्लस वन कॉमन लिया, तो बी प्लस वन एज इट इज़ यहाँ आ गया। अब इन दोनों टर्म में बी प्लस वन कॉमन था वो किया, तो हमारे पास इस टर्म में अगर बी प्लस वन सेपरेट हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास बचता है ए, इस टर्म का अगर हमारे पास बी प्लस वन कॉमन जा चुका है तो हमारे पास बचता है वन,
तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर टू देख लें, फैक्टराइज ए प्लस बी पी प्लस क्यू माइनस बी प्लस सी इंटू पी प्लस क्यू। अब इन दोनों टर्म्स को अगर देखें तो इनमें पी प्लस क्यू वाली टर्म जो है वो सेम है, तो क्या इस सॉल्यूशन में फर्स्ट इसको एज इट इज़ यहाँ लिखा गया है। अब इन पूरी टर्म्स में पी प्लस क्यू जो था हमारे पास सेम था, तो वो हमने सेपरेट कर लिया। इस टर्म से अगर पी प्लस क्यू बाहर चला जाए तो हमारे पास बचता है ए प्लस बी माइनस साइन, और इस टर्म का अगर पी प्लस क्यू जा चुका है तो यहाँ पे बच गया हमारे पास बी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है इनको ब्रैकेट्स इनकी ऑफ कर देंगे, तो ए ये चीज़ एज इट इज़ ए प्लस बी माइनस बी। अब इस माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट के इन साइड का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस साइन जो है वो नेगेटिव साइन में चेंज हो चुका है। अब देखें बी प्लस बी एंड माइनस बी, ये दो जो हमारे पास टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, पी प्लस क्यू एज इट इज़, और इस ब्रैकेट में हमारे पास बच क्या गया है ए माइनस सी। एग्जाम्पल नंबर थ्री देख लें, रिजॉल्व इंटू फैक्टर्स। अब गिवन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए माइनस बी एक्स। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस। अब इस ब्रैकेट को ऑफ कैसे करेंगे, इसके बाहर एक्स है तो इट मीन्स ये एक्स इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जब ये ए से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स, माइनस ये बी से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स। अब देखें हमने क्या करना है कि हमने एज इट इज़ टर्म जो है सेम कॉमन टर्म्स हैं उनको एक साइड पे रखना है। तो ये देखें इसमें बी है इसमें भी बी है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर और ए एक्स को यहाँ कर देंगे, माइनस ए बी प्लस बी एक्स यहाँ लिखा रहने देंगे। उसके बाद इन दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर है तो इसमें टू टाइम एक्स है और यहाँ पे प्लस ए एक्स है, तो हमें लोएस्ट पावर जो होती है वो कॉमन लेनी पड़ती है। तो एक्स की पावर वन और एक्स स्क्वायर, तो इट मीन्स एक्स पावर वन जो है कॉमन जाएगा, एक्स कॉमन जाए तो दो एक्स हैं, इट मीन्स एक एक्स बच जाएगा यहाँ पे प्लस और ए। यहाँ देख लें यहाँ है माइनस ए बी माइनस बी एक्स। अब इस टर्म में क्या चीज़ सेम है, बी माइनस बी सेपरेट किया हमने वो कॉमन था, तो इस टर्म में क्या बच गया ए, और इस टर्म में अगर बी सेपरेट हो जाए तो एक्स। अब ये प्लस साइन कैसे आया, जब हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो हमारे माइनस साइन की वजह से इसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब इन दो टर्म्स में हमारे पास क्या सेम हो गया है, एक्स प्लस ए। हम क्या करेंगे, इस एक्स प्लस ए को अगर सेपरेट कर लें इस टर्म से, अगर इस टर्म का एक्स प्लस ए कॉमन जा चुका है तो इस टर्म में सिर्फ एक्स बच गया ये लिखा गया, माइनस इस टर्म का ए प्लस एक्स सेपरेट हुआ तो यहाँ पे क्या बचा बी। तो ये जो हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो आज आपने चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज 10A से पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है।